नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सन्यासी एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की भूगर्भिक संरचना में हम इसके पहले आर्कियन की चट्टान एवं धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। उसके बाद आज हम कुडप्पा की चट्टान के बारे में बताएंगे। तो कल मैं बताया था कि जो है आर्कियन की चट्टान जो है ज्वालामुखी निक्षेप से, ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा आर्कियन की चट्टान का निर्माण हुआ, उसके अपरदन और निक्षेपण से, अपरदन अपरदन और निक्षेपण से यह हो गई आर्कियन ये हो गई धारवाड़ और इन दोनों के, इसके अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ, अपरदन एवं निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण और इन दोनों के आर्कियन प्लस धारवाड़ इन दोनों चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के द्वारा कुडप्पा चट्टान की का निर्माण हुआ है। तो यह हो जाएगा कुडप्पा की चट्टान। कुडप्पा की चट्टान जो है इसका नामकरण जो आंध्र प्रदेश का एक कुडप्पा जिला है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। वहाँ इसकी सबसे अधिकता पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। जिले के नाम पर नामकरण किया गया है। कुडप्पा जिले के नाम पर इसका रूपांतरण हुआ, यह हुआ और इसका रूपांतरण हुआ। इन दोनों का, इसका रूपांतरण से धारवाड़ और धारवाड़ के रूपांतरण से यह कुडप्पा, धारवाड़ और आर्कियन के रूपांतरण से कुडप्पा। इसीलिए जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है, पूर्वी घाट का क्षेत्र वह जो है पूर्वी घाट का क्षेत्र, पूरा क्षेत्र जो है यही चट्टान पाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में कुडप्पा की ही चट्टाने पाई जाती हैं। चट्टान पाई जाती है यह चट्टान जो है अपेक्षाकृत कम रूपांतरित परंतु इसमें जीवाश्म का अभाव, इस चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, इस चट्टान में भी जीवाश्म, क्या जीवाश्म का अभाव, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव इन तीनों चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यह चट्टान आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में, राजस्थान तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है जैसे कृष्णा घाटी है आंध्र प्रदेश की, क्या कृष्णा घाटी। कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई, चेयार श्रेणी, पापा घानी, तो कहाँ कहाँ कृष्णा घाटी। चेयार श्रेणी, पापाग्नि, पापाघानी श्रेणी और जो है चार श्रेणी हो गई, नल्ला मलाई के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें क्या लोहा सोना कहाँ पाया जाता था इसमें, तो इसी के जो है अपरदन और निक्षेपण से यह पाया ही जाता है। तो इसका निर्माण क्या, बालुका पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस, चूने के पत्थर के चट्टानों से इस चट्टान का निर्माण हुआ ही है। इस चट्टान का, ये सब चट्टानें मिलके इस चट्टान का निर्माण की हैं। तो और यह चट्टान जो है प्रोटेरियोजोइक काल का कालखंड, एक बार यह चट्टान प्रोटेरियोजोइक कालखंड से लेकर पैलियोजोइक के आरंभिक युग तक इस चट्टान का निर्माण हुआ है। इस चट्टान का निर्माण प्रोटेरियोजोइक कालखंड से लेकर पैलियोजोइक के आरंभिक युग तक इसका निर्माण हुआ है। यह भारत में द्वितीय रूपांतरित चट्टान है। पहली कौन सी है, धारवाड़। द्वितीय रूपांतरित चट्टान है।
इसमें लौह अयस्क मैग्नीज तांबा, इसमें लौह अयस्क मैग्नीज तांबा, लौह अयस्क मैग्नीज तांबा निकिल आदि का भंडार पाया जाता है। निकिल आदि का भंडार पाया जाता है। यह चट्टान हल्के धात्विक खनिजों से बने हुए हैं। यह चट्टान हल्के धात्विक खनिज से बनी हुई है। इस चट्टान से भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है। भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है। उसमें जैसे संगमरमर है, बालू का पत्थर है, एस्बेस्टस है, चूना है, ये सब जो है क्या एस्बेस्टस बालू का पत्थर संगमरमर चूना पत्थर अब आइए हम बता दें मैप में कि कहाँ कहाँ यह स्थान, किस किस स्थान पर यह पाया जाता है। इतनी चीज़ें पाई जाती हैं इस चट्टान में। आगे हम बढ़ते हैं और मैप पे आपको बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ किस जगह, कहाँ कुड़प्पा है, कहाँ सौराष्ट्र है, कहाँ अरावली है, यह अरावली की श्रेणी में तांबा यहाँ पाया जाता है, उन श्रेणियों की बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। क्या विस्तार, विस्तार की बात करेंगे तो हम मैप बना लें। जो भी बन गया ठीक है। एक विस्तार यह है, इसे अरावली श्रेणी कहा जाता है, यहाँ प्राप्त होती है अरावली श्रेणी पर। आंध्र प्रदेश कुड़प्पा कुड़प्पा के आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ इसके बाद क्या है, गुजरात का सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसका विस्तार कहाँ, अरावली सौराष्ट्र
छत्तीसगढ़ और कुड़प्पा में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगली चट्टान जो है बिंध क्रम की चट्टान है। अगली चट्टान हम बिंध क्रम की चट्टान आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे। आज कुड़प्पा की चट्टान हो गई। एक एक चट्टान को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि छोटा छोटा रहेगा तो देखने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जो भी जिसको जिस चट्टान के बारे में देखना है छोटे छोटे पार्ट में देख लेंगे। और दोस्तों जो है, आप लोगों को अगर व्हाट्सएप लिंक से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, महान कृपा होगी। नमस्कार।